आओ सलारिया जल सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो। आने वाले 5 साल तक द वाइड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट तुहाडा फ्री इलाज करेगा। कोई एक रुपया नहीं लगेगा। इलाज हार्ट का होए, किडनी का होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होएगा। महंगाई का सबसे बड़ा कारण GST है। LCD पर पहले 12% GST लगती थी, अब बढ़कर 18% हो गई है। इन्वर्टर और सीमेंट पर 28% GST लग रही है, जिससे रोज़मर्रा की ज़रूरतें आम आदमी पूरा नहीं कर सकता। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने GST लगाकर सबसे सही काम किया है। गरीब वर्ग को देने के लिए उच्च आमदन होगी, मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए। देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स में भागीदार होना चाहिए। मेरा नेम हरप्रीत सिंह। GST के ऊपर मैम, एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्लैब है इसकी बहुत ज़्यादा है। एक तो 2-3 स्लैब बनाई हुई हैं जिसको कस्टमर को तो समझ नहीं लगता इसका। एक तो 28% जो GST है हमारा, जो डेली नीड है, बैटरी वगैरह है, सीमेंट वगैरह है, बहुत ज़्यादा है ये 28%। इसको वही स्लैब, एक तो GST की स्लैब एक ही रखनी चाहिए इनको, 18 या रख दें या 12 रख दें। पहले जैसे LED इन्होंने लॉन्च की थी, LED पे 12% GST था, अब सरकार ने 18% कर दी है। पहले तो गवर्नमेंट ने LED हर घर में लगवाने के लिए कहा भी ये सस्ती है, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कम होती है। बट अब क्या हो रहा है कि जितनी भी LED प्रोडक्ट आ रहे हैं उस पर 18% GST, अभी थोड़ा समय ही हुआ उन्होंने GST 18% कर दी है। इसके ऊपर जो कस्टमर है उसको बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार को, मोदी साहब को मेरी यही गुजारिश है कि कम से कम स्लैब तो एक कर दो। तीसरे दिन आप GST की स्लैब, आपको GST समझ ही नहीं आ रही कि GST है क्या चीज़ है। तीसरे दिन आप स्लैब बढ़ा देते हो, उसकी 18 कर देते हो, कभी 12 कर देते हो। आपको, आपने लोगों को ऐसे ठगा हुआ है। मतलब LED हर घर में लगवा दी है आपने, हर घर में आज LED लगी हुई है, बट 12% थी पहले, आप 18 कर दी है, ठीक है। और बैटरी है, बैटरी हर घर की नीड हो गई आज तो, इन्वर्टर है, गाड़ी है, जो और कुछ है, इस पर भी आपने 28% रखा हुआ है। सीमेंट है, सीमेंट हर बंदे ने यूज करना, गरीब है, अमीर है, उस पर भी 28% रखा हुआ। तो सरकार से, हाँ जी, हमारी यही गुजारिश है कि GST की स्लैब पहले खुद समझ लो, फिर लोगों को समझाओ। हाँ जी, थैंक यू। मेरा नाम ललित महाजन है। मैम, GST आज के दौर पे बहुत ही ज़्यादा लग रही है, जैसे कि दूध, फल, सब्ज़ी और जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं या कोई भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है उस पर भी GST लग रही है, और महंगाई का कारण भी GST है। जैसे बैटरी है और इन्वर्टर है या कूलर है, AC है, फ्रिज है, ये सभी चीज़ें, इन पर बहुत ही ज़्यादा GST लग रही है। तो इन्हें जहाँ तो इक्वल किया जाए, जहाँ तो कम किया जाए। महंगाई का सबसे बड़ा कारण GST है। सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें कम किया जाए, ताकि गरीबी भी दूर की जाए इससे। मेरा मनोज गुप्ता। GST के बाद आने के बाद काम करना काफ़ी आसान हो गया है। जैसे पहले हम हिमाचल J&K माल नहीं भेज पाते थे, GST आने के बाद बहुत आसानी हो गई है माल भेजने में। बस इसमें एक दिक्कत है कि जो टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। सरकार को इसको कम करने के लिए सोचना चाहिए, और लोगों को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा कराएं, जिससे देश चलाने में आसानी हो, क्योंकि देश के पास संसाधनों की बहुत कमी होने के कारण फंड्स बहुत कम हैं, और जिस हिसाब से देश ग्रोथ कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है देश को चलाने के लिए। पर आज की डेट में भी बहुत कम जो बंदे हैं वो GST पे करते हैं। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा GST पे करें, और सरकार को भी चाहिए कि इसकी जो दरें हैं थोड़ी सी कम करें, यानी कि दोनों को रिलीफ मिल सके। फ़ायदा हो रहा है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जैसे हम पठानकोट में बैठे हुए हैं, माल भेजने में बड़ी असुविधा होती थी कि GST के बिना। अब हम आसानी से बिल काट के J&K और हिमाचल में भेज सकते हैं, और जो वहाँ के व्यापारी हैं वो भी आसानी से बिना डर के यहाँ आते हैं, जाते हैं और माल खरीदते हैं।
पवन कुमार जी। GST जी आज लागू हुए काफ़ी साल हो गए, GST के पॉजिटिव ही रिजल्ट निकल रहे हैं। पहले जो जिस चीज़ को लागू नहीं किया होता तो लोगों के मन में शंकाएं होती हैं, अनेक शंकाएं होती हैं, अच्छा होगा बुरा होगा, क्योंकि चीज़ को लोगों ने इम्प्लीमेंट किया देखा नहीं होता। अब उसको लागू कर दिया गया सेंटर के द्वारा, उसमें दोनों का, स्टेट का और सेंटर का दोनों का बराबर का शेयर है, तो इससे स्टेट को भी फ़ायदा और सेंटर को भी फ़ायदा, और इसमें घपलेबाजी भी कम होगी। इससे स्लैब है, एक स्लैब, दो स्लैब, तीन स्लैब और चार स्लैब है, जैसे 5%, 12%, 18% इस पर स्लैब है, तो अलग अलग गुड्स के ऊपर अलग अलग टैक्सेस हैं, तो उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स, जितनी टैक्स सेंटर लेगा उतनी स्टेट को मिल जाएगी। तो इसमें सारी जो GST जो है जब लागू हुई थी तो कुछ स्टेट्स ने इसका अपोज़ किया था, पर जब लागू होने के बाद इसके मेंबर तो सारी स्टेट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया की जो सारी स्टेट्स हैं वो इसकी मेंबर हैं, और सबका ओपिनियन लेके ही इसके ऊपर कोई डिसीजन लिया जाता है, यूनानिमसली लिया जाता है, वन साइड डिसीजन इसमें होता नहीं है। तो जो स्टेट लेती है वही सेंटर को मिलता है, जो सेंटर कलेक्ट करती है वही बाद में डिस्ट्रीब्यूट, जैसे फ्री राशन देती है तो लोगों को फ्री मकान मिलते हैं, और जो GST मिल कटता भी है, जो कुछ रिफ़ंड होने वाला होता है वो बाद में रिफ़ंड भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे पीछे से GST कट के आता है तो आगे से आप बिल काट के देते हो तो पीछे वाला जो कटा हुआ होता है वो आपको रिफ़ंड मिल जाता है, इसलिए व्यापारियों को तो कोई नुकसान नहीं है। तो जो शुरू में तो किसी को नॉलेज ना हो तो थोड़ा सा मुश्किल लगता ही है, पर लास्ट में नहीं, लास्ट में सब एग्री करते हैं और चल रहा है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड GST चल रहा है, ये तो है ना कि ऑल ओवर इंडिया में ही चल रहा है। GST तो पे हो ही रहा है, और GST पे हो रहा है तो इसीलिए हाँ टाइम पर जो फैक्ट्रीज वाले जहाँ पे ये GST है ना, ये छोटे दुकानदारों को नहीं है, जैसे बड़े गुड़ से जहाँ बनते हैं वहाँ पे है, और जहाँ से माल चलता है वहाँ पे है, उन GST छोटे दुकानदारों को नहीं है, जो जिनका 2 करोड़ के आसपास टर्न उनको भी देना पड़ता, तो वो सारे बिल काट के देते हैं और बिल काट के सेंटर को जाता है, इसीलिए तो सेंटर का जो GST कलेक्शन है वो बढ़ रहा है। GST कलेक्शन बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो सेंटर अमीर होगा, सेंटर अमीर होगा तो डिफेंस पे, फ्री एजुकेशन पे, हर जगह पे वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा तो स्टेट और सेंटर दोनों का फ़ायदा, इसमें स्टेट भी अपने जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको फ्री वाली लागू कर सकती हैं ईजीली, अगर कलेक्ट हो रहा तो तभी सेंटर को और स्टेट दोनों को फ़ायदा, और दोनों इसमें एग्री करती हैं और तभी चलाती हैं। ऐसे तो अगर मुश्किल हो तो कोई स्टेट एग्री करे ही ना, और इसके बेनिफिट भी हैं, और जो कम पढ़ा लिखा उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, उसको अकाउंटेंट वगैरह रखना पड़ता है, जो पढ़ा लिखा है उसके लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।